पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता राजकुमार सिंह धनौरा को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा से निष्कासित होने पर वे फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुर्खी में बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता, कांग्रेस से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है, पुराने कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इसलिए निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि वह सुर्खी विधानसभा से स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार धनौरा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। धनौरा ने बताया कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रही थी और मैंने जनता की मांग का समर्थन करते हुए इसकी मांग की, जिसे लेकर पार्टी नाराज हो गई, जिसके बाद मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से जाकर मिला और माफी भी मांगी, लेकिन मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हमने अपने संगठन के सामने हमने बात रखी कि मैं खुद बीडी शर्मा से प्रदेश के अध्यक्ष हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं। मैंने उनसे जाकर मैंने कहा भी था कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं पार्टी के से क्षमा मांगता हूं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार किया गया, उसके साथ भी हमारे साथ अत्याचार किया। धनौरा ने परिवहन मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह के साथ दहेज में आए कांग्रेसी नेताओं को उपकृत किया जा रहा है। भाजपा की जमीनी कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। जिस पार्टी के लिए 30 साल मेहनत की, मेरे ऊपर 1 रुपए का कलंक नहीं लगा, उस पार्टी ने 1 मिनट में मुझे कीड़े मकोड़े की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। मेरे साथ अत्याचार किया गया है। उन्होंने कहा, मैं वर्ष 1994 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार जनसंघ के समय से जुड़ा है। सुर्खी क्षेत्र में पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। पार्टी में रहता तो मंत्री मेरे ऊपर दबाव नहीं बना पाते, इससे उनके द्वारा झूठे तथ्य पेश कर मुझ पर निष्कासन की कार्रवाई कराई गई। सुर्खी विधानसभा में पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं, इसके कई उदाहरण मेरे पास हैं। जिस पार्टी में 30 साल पूरी मेहनत की, आज तक कोई कदम 1 रुपए का कलंक को, और उस पार्टी ने 30 साल की हमारी मेहनत 1 मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।